ये जो गाना है ये इनका पहला गाना था एज अ लिरिसिस्ट. नाउ द देर इज़ अ वेरी फेमस लाइन इन द फिल्म डियर जिंदगी, जीनियस इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप. अगर आप उस खानदान से ताल्लुकात रखते हो जिनमें शायर घूमते फिरते रहते हैं तो आपको वाकई डर लगेगा कि मैं उनके स्टैंडर्ड तक पहुँच पाऊँगा या नहीं. इनके पिताजी थे जानिसार अख्तर, इनके मामू जान थे मजाज, वॉज अ वेरी फेमस शायर इन द अलाहाबाद लखनऊ टेरिटरी. यश चोपड़ा ये जानते थे कि जावेद साहब को शेर व शायरी का ये बहुत शौक था, एंड द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ सिलसिला वॉज अ पोएट, सो ही वॉन्टेड सम लिरिक्स और सम पोएट्री विच वॉज नॉट एग्जैक्टली सेट टू मीटर. उन्होंने उनको इंकरेजमेंट दिया और अब जो ये गाना है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. कैन आई रिक्वेस्ट गोपाल एंड हर्षला ऑन स्टेज प्लीज. हर्षला इज द लेटेस्ट मेंबर इन द आवाज और अंदाज करो के फैमिली. शी इज बिन वर्किंग एज अ डॉक्टर प्रोफेशनल सिंस 2005. She's also worked in the US healthcare industry for 8 years. She's not taken any training in music. It is her passion and her favorite two singers by no stretch of any imagination or a prizes for guessing are Lata Didi and Asha Didi. So can I welcome Gopal and Harshala on stage, please. मिले हुए क्या कहूँ कि शर्म से हिला सिले हुए
छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, दर ना रोशनी के काफिले में, प्यार के हजार दीप है जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। Absolutely brilliant. गाना सुनते ही आपको येलो और पिंक कलर roses in an Amsterdam tulip field याद आया कि नहीं? It is the first song ever to be shot in Amsterdam. You can almost visualize Amitabh and Rekha singing this in a very leisurely pace. अगला जो गीत है